जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई प्रेम कुमार और आप देख रहे हो आपका ही YouTube चैनल तैयारी जीत की। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 8 ऐसी गलतियां, अगर आप ये करते हैं तो आपकी हाइट इंक्रीज होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, मुझे पक्का यकीन है कि आप इनमें से कोई ना कोई गलती जरूर किया होगा, उसी की वजह से आपकी हाइट में प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों ये वीडियो अगर आप, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपकी हाइट में काफ़ी ये मदद करेगा, ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। या तो फिर मुझे आप कमेंट करोगे कि प्रेम भाई आप कैसा वीडियो बना रहे, मेरी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। हाँ दोस्तों, अगर जो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, अगर आपने भी ये गलती करी है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रेम भाई मैं आप ये गलती कर रहा था तो आपको सुधारी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। वीडियो पसंद आने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए घंटे के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों अगर हम बात करें पहली गलती तो वो क्या है दोस्तों, रनिंग और एक्सरसाइज ना करना। बहुत से भाई मुझे कमेंट करते कि प्रेम भाई हम लोग को बहुत कोई बोलते हैं कि अगर हम रनिंग करेंगे तो हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपकी हाइट कम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपका हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है तो रनिंग और एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप रनिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी हाइट बढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि जब तक अपने आप बॉडी को हीट नहीं करते हैं, ठीक है, आपका बॉडी हीट नहीं होगा तो उसमें खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है। तो हाइट बढ़ाने के लिए अपने बॉडी में खिंचाव लाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए दोस्तों आप रनिंग के बाद एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपकी हाइट काफ़ी बढ़ेगी। तो हाइट के रिलेटेड वीडियो मैंने पहले से अपने चैनल में बना रखा है तो आप जाकर वो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरी गलती जो आप करते हैं वो है प्रॉपर नींद ना लेना। दोस्तों बहुत भाई ऐसे गलती करते हैं कि रात में काफ़ी लेट तक जागे हुए रहते हैं, फ़ोन यूज करते रहते हैं, लेट तक नहीं सोते, 12-1 बजे सोते हैं। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपकी हाइट बढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जब हम अच्छी तरीके से प्रॉपर सोते हैं तभी हमारे बॉडी में हाइट बढ़ने का जो भी प्रक्रिया जो होता है, ठीक है, हम जब हमारा हार्मोन्स है अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि उसी टाइम हमारा बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स रहता है। क्योंकि अगर दिन भर हम इतना सारा काम करते हैं, हमारे बॉडी में इतना स्ट्रेच होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो हाइट ग्रोथ है वो नहीं होता है। वो होता है कब, जब हम सोते हैं। तो दोस्तों आप याद रखें, अगर आपकी हाइट कम है, अगर हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा तो कम कम प्रॉपर नींद अच्छी तरीके से आपको सोना है, कम से कम 8 घंटे तो पक्का ही सबको सोना है। तो दोस्तों इन बातों पर आपको ध्यान देना है। तीसरी आप गलती जो करते हैं वो है आपके बॉडी का सही पोस्चर ना होना। दोस्तों बहुत ऐसे लोग गलती करते हैं, आप भी ये गलती करते होंगे कि जिनकी, देखिएगा, आप बॉडी का झुका होकर चलना है, ठीक है, आपने की बॉडी कभी भी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, आपको कभी भी चलना है। या रनिंग भी करते हैं बहुत को डाउन होकर चुप करते हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक तरफ डाउन हो जाता है। इससे क्या होता है कि अगर आपकी हाइट कम है तो आप, अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी है तो आपकी हाइट को कम लगता है, ठीक है, ये आपके बहुत बुरा लगता है। अगर देखेंगे किसी का देखा होगा कि आप झुक के अगर बॉडी से चलते हैं इस तरीके से तो बहुत ख़राब लगता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपकी हाइट में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको अपना चेस्ट अप करके चलना है। चेस्ट अप करने से दोस्तों बहुत फ़ायदा होता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे, मैंने भी पहले ऐसे ही मेरा बॉडी झुका हुआ मेरा रहता था, पर मैंने इसको सुधारा, अपने चेस्ट को अप करके चलना है। कहीं अभी अगर आप बैठते हैं तो आपके बॉडी, मतलब होता है कि आप चेयर में बैठ रहे हैं तो चेयर में भी आप डाउन हो जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना। आपके बॉडी को एकदम स्ट्रेच रखना है, आपके एकदम चेस्ट अप होना चाहिए, ये जो आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ये भी एक कारण है कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है। दोस्तों जो आप चौथी गलती करते हैं वो क्या है, आपका टाइमली खाना ना खाना। तो क्या है वो दोस्तों, टाइमली खाना नहीं खाना। बहुत भाई ऐसे गलती करते हैं कि उनका जब मन होता था वो खाना खा लेते हैं, करीब कभी कोई खा लेते हैं 10 बजे, कोई खा लेते हैं भाई 5 बजे शाम को खा ले रहे हैं, रात को 10 बजे 12 बजे खाना खा रहे हैं। तो ये गलती नहीं करना दोस्तों, आपको एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइमली बनाना है कि हमको इतना बजे तक खाना खा लेना। अगर आप मान लीजिए एक टाइम बनाइए कि हम मुझे 8 बजे तक मुझे नाश्ता कर लेना, अगर आप दोपहर का खाना खाना है तो आपको 2 बजे तक आपको एक बना लीजिए कि मुझे 2 बजे तक खाना खा लेना है, और रात का खाना आपको 8 से 9 के बीच में आपको खाना खा लेना है। तो एक प्रॉपर टाइम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने, अगर आप अपने बॉडी का ग्रोथ चाहते हैं, अपने बॉडी को अच्छा दिखाना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, तो एक टाइमली होना बहुत जरूरी है। अगर टाइमली नहीं होता है दोस्तों तो ये भी एक कारण हो सकता है आपकी बॉडी की ग्रोथ को रोकने का, तो इसे आप सुधार लीजिए। पाँचवीं जो आप गलती करते हैं वो क्या है, ज़्यादा फास्ट फूड का प्रयोग करना। आप गलती ये करते हो तो घर के खाना छोड़ के बाहर के खाना का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खट्टे का प्रयोग करना, ठीक है, ये फिर आपको नहीं करना। बाहर का ज़्यादा तेल का सामान नहीं खाना, ये भी एक कारण होता है दोस्तों, क्योंकि आप अगर तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तेल मसाला ज़्यादा
जो करते हैं तो आपके पेट में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि सारा जो भी ग्रोथ सिस्टम हमारा बॉडी में जो काम करता है वो हमारे पेट से ही स्टार्ट होता है। अगर हम कहते हैं कि हमारा पेट अगर ठीक रहेगा तो हमारा सारा सिस्टम सही रहेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपको बाहर का खट्टा सामान वगैरह जो भी है हमारा है वो आपको नहीं खाना है, कम से कम खाना है, कोशिश करना है घर का खाना खाएं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, काफ़ी लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है, वो ज़्यादा ही बाहर का सामान का प्रयोग करते हैं। तो आप ये गलती को ना करें और सुधारें। दोस्तों छठी जो आप गलती करते हैं वो क्या है, आपके सही पोस्चर में ना सोना। इसका मतलब क्या है दोस्तों पता होगा जिस हर एक इंसान का सोने का तरीका अलग होता है, मैं कुछ अलग तरीके से सोता हूँ, आप कुछ अलग तरीके से सोते हो। तो दोस्तों वो क्या करना है, जैसे कि दोस्तों को पता होगा जब हम सोते हैं तभी हमारी हाइट इंक्रीज होती है। वो क्यों होती है दोस्तों, कि हमारे बॉडी को पूरा रिलैक्स मिलता है, ठीक है। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि जब ये सोते हैं अपनी बॉडी को पूरा समेट कर सोते हैं, पैरों हाथों को सारों को समेट के सोते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है उस टाइम पे। तो हमारी हाइट जब रात में इंक्रीज होती है बढ़ती है तो उस टाइम पे क्या दोस्तों हम अगर उसको स्ट्रेच रखते हैं तो हाइट बढ़ाने में हमारा काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना जब भी आप सोएं तो सीधा स्ट्रेट तरीके सोना है आपको, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी जैसे ही आप सोई आपकी आपका मर्जी है वो, ठीक है, लेकिन आपके पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा होना चाहिए, ठीक है। वो आपको हाइट बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आप ये गलती कर रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ इस गलती को आप सुधारिए, तभी आपकी हाइट इंक्रीज होने में मदद मिलेगा। दोस्तों अगर हम बात करें सातवीं गलती जो आप करते हैं वो क्या है, लेट तक सोना। फिर आप बोलेंगे प्रेम भाई आपने तो बोला था कि आपको अच्छी तरह से सोना है, फिर आप बोल रहे लेट तक नहीं सोना। तो दोस्तों ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। आप गलती ये करते हो दोस्तों कि रात में काफ़ी लेट तक जागे रहते हो और मॉर्निंग में काफ़ी लेट तक सोते रहते हो। आप मान लीजिए सोचिए कि अगर आप 10 बजे उठते हैं आप कब फ्रेश होगे, कब खाना खाओगे, आपसे क्या होता है दोस्तों आपकी सारी टाइमिंग चेंज हो जाती है। तो दोस्तों अब मान लीजिए आप 10 बजे उठोगे तो आप कब रनिंग करने के लिए जाओगे, कब आप एक्सरसाइज करोगे, फिर आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, फिर आप मुझे कमेंट करो प्रेम भाई हमारे ये हाइट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है, कोशिश करना है दोस्तों आपको मॉर्निंग में कम से कम 5 बजे उठ जाना है। आपको उठने के बाद आपको ग्राउंड जाना है, रनिंग करना है, तभी आपकी हाइट इंक्रीज में मदद करेगी। तो ये ध्यान रखें आपको लेट तक नहीं सोना है। दोस्तों आठवीं जो आप गलती करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट गलती कि आप अपने आप से बात नहीं करते हैं। अब आप बोलो प्रेम भाई क्या हम पागल हैं जो अपने आप से बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बहुत से भाई मुझे कमेंट करते हैं कि प्रेम भाई मुझे बहुत लोग बोलते हैं यार तुम नाटा है, तुम्हारी हाइट कम है, तू बोना है, ये वो बहुत तरह का कमेंट करते हैं मेरे ऊपर। तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि किसी की बातों को सुनकर अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए, ठीक है। कहते हैं दोस्तों कि आप जैसा सोचते हैं आपका दिमाग जैसा काम करता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए कि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप आर्मी जीडी में नहीं जा सकते हैं, तो यार आपके अंदर इतना क्वालिटी है कि आप कलर की तैयारी कर सकते हैं, आपके अंदर इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि आप वो नहीं लेकिन जो भी हो रहा है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने आप को देखा दोस्तों पावर बूस्टर की तरह चार्ज रखना है, ठीक है। दोस्तों अगर आप सोचेंगे ना, कहते हैं कि आपको अगर हाइट हो या आपकी लाइफ का कोई भी पार्ट हो, आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, तो बहुत डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। अगर आप जैसा सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे यार मेरी हाइट नहीं बढ़ रही यार क्या करूँ, मुझे लोग ऐसा समझते हैं, मुझे लोग ऐसा समझते हैं, तो पूरा जो सा दिमाग का आपका कॉन्सेंट जाता है, उससे क्या होता है कि आपकी हाइट बढ़ने में या आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, क्योंकि सारा दिमाग का खेल है, ठीक है। दिमाग का आप जो सोचेंगे वही आप बनेंगे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि एनी टाइम आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपको बस यही सोचना है यार मेरे जैसा कोई नहीं है दुनिया में, मेरे जैसा कोई नहीं है और ना कोई बन सकता, मेरे भगवान ने मुझे जो भी कुछ दिया इतना मेरे लिए काफ़ी है। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो घंटे का बटन है उसे दबाना मत भूलना। इससे दोस्तों को फ़ायदा ये होगा कि जब मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने एक वीडियो डाला है। तो दोस्तों और बता दोस्तों कि अगर आपको हमारे वीडियो हल्का से पसंद आता है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करना। लाइक करने से दोस्तों मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आप सभी के लिए एक वीडियो बनाने के लिए। मुझे पता चलता है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, कैसा वीडियो बना रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना। तो दोस्तों वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।